शेवगाव येथील मौलाना आझाद उर्दू प्राथमिक शाळेत भारताचा 75वा प्रजासत्ताक दिनाचा झेंडावंदन शेवगाव शहरातील नामांकित अल हाफिज हॉस्पिटलचे संचालक डॉ बाशित शेख यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते तुफेलभाई मुलानी, वंचितचे शेवगाव तालुका अध्यक्ष प्यारेलालभाई शेख, सामाजिक कार्यकर्ते इरफानभाई पटेल, भाजपा सोशल मीडिया तालुका प्रमुख अनिल वडागळे, आधार फाउंडेशनचे अध्यक्ष संतोष पालवे, शिवसेना शेवगाव तालुका अध्यक्ष आशुतोष पूर्णाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शेवगाव शहर अध्यक्ष कमलेश तलांडगे, ताजी खबरे संपादक अलीमभाई शेख, सामाजिक कार्यकर्ते आयुबभाई रोख, स्मार्ट कॉम्प्युटर फर्मचे संचालक जावेद बागवान, युवक नेतृत्व संतोष जाधव, ज्येष्ठ नागरिक मोहम्मद शहाब शेख टायरवाले, लक्षदीप टायपिंगचे प्राचार्य वैभव जगताप, युवा सामाजिक कार्यकर्ते अक्रमभाई शेख, युवक नेतृत्व अबू जहागीरदार, अणुभाई शेख, दीपक कंठाळे, सौरभ अभंग, आसिफभाई शेख, हुसेनभाई शेख, महम्मदभाई शेख, इम्रान शेख टायरवाले, शौकत पठाण, कलीम शेख, मंजूर मणियार, कदीर शहा, इम्रान मणियार, आसिफ बेग, आयुबभाई कुरेशी, सिराजभाई शेख, मुडीमभाई बागवान, ताहिरभाई मणियार, हापित सोहेल खान आदी उपस्थित होते. सामाजिक कार्यकर्ते तुफेलभाई मुलानी, डॉक्टर बाशित शेख, संतोष पालवे, आशुतोष डहाळे, इम्रानभाई शेख, अबू जहागीरदार, आलमभाई शेख, हुसेनभाई पठाण, अब्दुल कादिर शहा यांच्यातर्फे शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना खाऊचे वाटप करण्यात आले. यावेळी शाळेतील विद्यार्थ्यांची भाषणे व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी शाळेतील मुलांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, झाशीची राणी, इंदिरा गांधी, चाचा नेहरू, सावित्रीबाई फुले, इतर महापुरुषांचे हुबेहूब पोशाख घालून भाषणे केली. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी विद्यालयाच्या शिक्षिका हदिया बागवान मॅडम, सना शेख मॅडम, सायमा कुरेशी मॅडम, आसमा सय्यद मॅडम यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आसमा सय्यद मॅडम यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार शाळेचे संचालक जमीर पठाण यांनी मानले. तो यहाँ इसको सिर्फ मौज मस्ती कर कर और जो जो हमें आबे आजदास से मिला है वो उसको ज़ाय करने मतलब नहीं है. दोस्तों, किसी भी मुल्कों की तरक्की करने के लिए जब तक कि वहाँ के बच्चे, जो किसी भी मुल्क का भविष्य होता है, किसी भी मुल्क का फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है, जब तक कि उनकी तालीमी लियाकत, जब कि उनका एजुकेशन लेवल टॉप में ही रहता है, तब तक कि वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता है. हमें हमारे बच्चों को, जैसे कि हमारे जमीर सर, जो हरदिल अजीज जमीर सर है, उन्होंने एक छोटी कोशिश से एक छोटा सा स्कूल चालू किया है. मेरी इस वक्त अल्लाह से दुआ है कि उनके स्कूल आज जो छोटा सा पौधा है, एक हरा भरा घना दरख्त बन जाए. और ये स्कूल आज वो पहली से पाँचवीं तक है, इंशाल्लाह 12वीं तक हो जाए. दूसरी बात, मैं इस वक्त जो अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, पालक भी है. हमें इस बात को पूरी आज दिल से लगाकर पक्का इरादा करना है कि हमारे बच्चों को हम किस तरह ऊँची से ऊँची तालीम दे सके. हमारे बच्चों में और हमारे में तालीम के एतबार से जो जागरूकता होना चाहिए वो नहीं है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. हमारा बच्चा घर पे आके पढ़ाई कर रहा है, अचानक घर में कोई चीज़ कम हो गई, दाल ख़त्म हो गई, शक्कर ख़त्म हुई, कोई लाने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को कहते हैं, ए फलाना इधर जा, शक्कर लेके आ, जा फलाना लेके आ. इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि बेटा शक्कर लाना, दाल लाना, सब्ज़ी लाना, ये पढ़ाई से ज़्यादा अहम है. मेरा ये कहना है कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उस वक्त कोई ऐसी जानी आफत आए बगैर उसको पढ़ाई से उठाना नहीं चाहिए. जब तक हम बच्चे के जहन में पढ़ाई के बारे में अहमियत नहीं डालेंगे, जब तक कि वो बच्चा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेगा. बच्चों को पढ़ाई का माहौल अच्छा से अच्छा दे और बच्चों को आला से आला तालीम जहन में बिठा कर उनको ये कहना है कि भाई आप पढ़ेंगे तो ही भारत का भविष्य आगे बढ़ेगा. दूसरी बात, और एक बात मैं ऐसा अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे में जनरल थिंकिंग है कि पढ़ लिख के क्या फ़ायदा है. दोस्तों, पढ़ने का ताल्लुक माश से नहीं है, रुपया कमाने से नहीं है. आप 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन कम से कम करो, उसके बाद आप जो चाहे वो बिजनेस करो, लेकिन अगर आपकी तालीम अच्छी है, ग्रेजुएशन कम से कम आप है,
तो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका आता है, आपको कौन आपको भयका रहा है, कौन आपको सही राय दे रहा है, वो आपको समझ में आता है। तो हमारे आज तालीमी लियाकत कम होने की वजह से हम किसी की भी भयकाओं में आ जाते हैं और इनडायरेक्टली हमारा नुकसान कर देते हैं, और आपके नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ा हमारे देश का नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज के दिन में आप सबको फिर से आज के सबसे बड़े त्यौहार की यौम जमहूरिया की रिपब्लिक डे की दिल से मुबारक देता हूँ, और ये बात के आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब आज ये आयद कर ले कि हमारे बच्चों को आले से आला तालीम दे। अगर हमारे कुछ बच्चों को धंधे पानी में लगाना है तो कम से कम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से अच्छे लेवल के उनको तालीम दे, और उसके आगे की चीज़ हमारे बच्चों को इंसान बनाए, के सामने वाले को इंसान समझे, फिर वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, हम सबको इंसान बोल के उसकी कदर करना सिखाए। और साथ में हमारे आसपास में साफ़ सफाई, जो कुछ भी एक मुल्कों की तरक्की के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारे बच्चों में अच्छी तरह डाले, और हमारे बच्चों का और हमारे प्यारे मुल्क भारत का भविष्य रोशन करें। प्यारेलाल शेख, अहमदनगर।